कक्षा 12 में 206 डे और एटॉमिक फिजिक्स चल रही है, जिसमें लास्ट पार्ट में हमने इसमें नेक्स्ट टॉपिक है बोर के क्वांटिफिकरण के द्वितीय विग्रहित का डी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण। पहली बात, बोर का द्वितीय विग्रहित है क्या? बोर मॉडल हमने पढ़ा था, उसमें हमने एक को लिखा था सेकंड पोस्टुलेट द्वितीय विग्रहित क्या था, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π, यानी किसी भी कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान एच अपॉन 2π का पूर्णांक गुणज के बराबर होता है, ये द्वितीय विग्रहित। इसी का स्पष्टीकरण किसने दिया? डी ब्रोगली ने दिया। ठीक है, क्या बताया डी ब्रोगली ने? डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति तथा कक्षाओं के मध्य संबंध स्थापित किया और ये बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कक्षा जो है वो तभी स्थिर अवस्था में रह सकती है जब जब वहाँ पर गतिशील इलेक्ट्रॉन के साथ संबंध तरंग धैर्य जो है उसका मान, उसका पूर्ण गुणज का मान वहाँ उसकी परिधि के बराबर। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि ये नाभिक है, नाभिक के चार और ये पहली कक्षा है, तो ये पहली कक्षा की परिधि जो है वो क्या होगी, वृत्त है, वृत्त है, ये वृत्त है, इसकी परिधि आर है, तो पहली कक्षा की परिधि क्या होगी, 2πr वृत्त की परिधि। इसका जो मान है वो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन गतिशील है तो डी ब्रोगली के अनुसार गतिशील कण के साथ तरंग भी संबद्ध रहती है, तरंग रहती है तो तरंग की तरंग लंबाई भी रहती है, तो यहाँ पहली कक्षा में इसकी एक तरंग धैर्य के, इसकी तरंग लंबाई जो है वो एक तरंग धैर्य के एक तरंग लंबाई के बराबर होगी। तरंग लंबाई किसकी होगी, क्या होगी, लैम्डा। दूसरी कक्षा है तो क्या होगी, 2λ। तीसरी कक्षा है तो क्या होगी, 3λ। चौथी कक्षा है तो क्या होगी, 4λ के बराबर। इसका मतलब ये क्या कह सकते हैं, nवीं कक्षा के लिए 2πr इज इक्वल टू क्या होगा, nλ। ये स्पष्टीकरण किसके द्वारा दिया गया था, डी ब्रोगली के द्वारा। अगर एक नंबर में पूछा जाए तो इतना हम बता सकते हैं, दो नंबर में पूछ लिया जाता है तो इसका प्रूफ भी हम बता सकते हैं कि कैसे आ रहा है, सिंपल सा फॉर्मूला है, वही एक बात हम लेकर चलेंगे, किसकी, बोर की बात लेकर चलेंगे और डी ब्रोगली की बात उसके अंदर आ जाएगी, दोनों बातें एक साथ आ जाएगी। तो सबसे पहली बात तो हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है, क्वांटम द्वितीय विग्रहित का डी ब्रोगली ने क्या स्पष्टीकरण दिया। स्पष्टीकरण क्या है, इसने क्या बताया, डी ब्रोगली ने के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन कक्षा की परिधि का मान उससे संबंध तरंग धैर्य के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, परिधि क्या होती है, 2πr और पूर्णांक गुणज क्या होता है, n का मान क्या होगा, 1, 2, 3, 10, 10 कुछ भी हो सकता। अब इसको प्रूफ कैसे करें, प्रूफ करने के लिए हमें किसकी बात लेकर चलनी है, बोर के क्वांटिफिकेशन थ्योरी का यूज किया और फिर इसको प्रूफ किया गया। तो बोर की क्वांटिफिकेशन थ्योरी अगर ले द्वितीय विग्रहित से, बोर के द्वितीय विग्रहित से क्या है, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। हमें देखो LHS में देखो 2πr चाहिए ना, 2πr तो 2πr इधर रख ले, बाकी वो इधर ले ले, फिर एक साइड तो हो गई, दूसरी साइड अब हमें देखना है कि उसको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो 2π को इधर ले आओ, तो ये हो गया 2πr, mv एक्स्ट्रा इसको इधर ले आओ, तो nh अपॉन क्या हो गया, mv, और mv किसके बराबर होता है, संवेग के, तो 2πr इज इक्वल टू क्या आ गया, nh अपॉन p, और h अपॉन p किसके बराबर होता है, लैम्डा के, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ 2πr इज इक्वल टू क्या आ गया, एन लैम्डा। तो प्रूफ करना है तो बिल्कुल सिंपल सा तीन लाइनों में हम इस बात को बता सकते हैं कि डी ब्रोगली ने जो स्पष्टीकरण है वो किस प्रकार से दिया। अब डी ब्रोगली का जो स्पष्टीकरण है उसको एज अ डायग्राम लें तो हम कैसे लें उसको,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहली कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके साथ एक तरंग है, दूसरी कक्षा में तो उसके साथ दो तरंग है। इसको इस तरह से पूछ लिया जाता है। द्वितीय कक्षा के लिए डी ब्रोगली अभी ग्रेज बताइए, तो द्वितीय कक्षा के लिए क्या हो जाएगा यार, टू हो जाएगा, टू से टू कट गया तो क्या आ जाएगा, पाई आर इज इक्वल टू लैम्डा, ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से पूछा जाता है द्वितीय कक्षा के लिए कोणीय संवेग होगा तो क्या आएगा यार, टू आ जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो एच अपॉन पाई। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब देखो इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं हम कि ये तो है नाभिक, ये है पहली कक्षा। अब हमें पता है तरंग कैसे होती है, तरंग इस तरह से होती है, कंप्लीट पार्ट देखे तो ये एक तरंग है, एक तरंग है। अब इस भाग में एक ही तरंग बन रही है तो इसको किस तरह से बढ़ाए, इस तरह से हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये एक तरंग हो गई, आधा भाग ये हो गया और आधा भाग ये हो गया। ठीक है, तो ये यहां से देखिए तो ये आधा भाग है इसका लैम्डा बाय टू, ये आधा भाग है लैम्डा बाय, हो गया लैम्डा। तो पहली कक्षा एक तरंग, दूसरी कक्षा के लिए हमें बढ़ाना है इसको, तो दूसरी कक्षा में कितनी तरंग होगी, दो तरंग होगी, दो तरंग होगी तो उसके कितने भाग होंगे, इस तरह से एक भाग, दो, तीन और चार भाग। तो हम इसको क्या करें, डायग्राम बनाने के लिए अगर हमें बनाना पड़ जाए एग्जाम में आ जाए तो इसके चार भाग आप इस तरह से कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभार। तो ये एक भाग हो गया, ये हो गई एक तरंग नीचे से आगे ऊपर से इधर आके। ठीक है, इसी तरह से ये दूसरी तरंग हो गई। अब इसको ऐसे छोड़ना चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, पैक करना चाहे तो जिधर से नीचे का पार्ट लिया था उधर से ऊपर का पार्ट ले लो, जिधर से ऊपर का था उधर से नीचे का पार्ट ले लो, बन गई। ये क्या बता रहा है, पहली भाग है, पहली कक्षा है, एक तरंग है लैम्डा, ये क्या बता रहा है, टू लैम्डा, तीसरी आएगी तो क्या हो जाएगी, थ्री लैम्डा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया इसका नेक्स्ट पार्ट। अब एक लास्ट बात, एक बात हो रहेगी वो अगली क्लास में करेंगे इसको क्या है बोर मॉडल की कमियां है, शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेंगे इसको।